सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज अपने पीछे खड़ी है हीरो की स्प्लेंडर एक्सटेगा, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। बताऊंगा इसका ओनरशिप रिव्यू, स्पेसिफिकेशंस के बारे में, और ऑन रोड में कितने की पड़ती है ईएमआई और कैश में, दोनों में सभी बारे में बात करेंगे। अपने ही एक फ्रेंड ने लिया है, अभी BS6 वाला वेरियंट है, नया मॉडल इसके अंदर एक्स कनेक्ट फीचर्स है, काफी सारे फीचर्स जो चेंज हो चुके हैं, सभी बारे में बात करेंगे। और ओनरशिप रिव्यू भी लेने वाला हूं इसका। अराउंड ये 1000 किलोमीटर प्लस जो है गाड़ी चल चुकी है। बात करेंगे 1000 किलोमीटर चलाने के बाद उनका रिव्यू कैसा रहा इस बाइक को चलाने में, और क्या क्या इसके अंदर खामियां हैं, क्या क्या अच्छी बातें हैं। अगर आप परचेज करने की सोच रहे हो तो क्या आपको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, तो वीडियो जो काफी मजेदार है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना दोस्तों, लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन उसको नहीं दबाया, उस पर घुसा मारे मुकार बस दब जाना चाहिए। स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को और देखते रहिए आर्य ब्लॉग। ये खड़ी अपने सामने हीरो की स्प्लेंडर एक्सटेक। अगर फ्रंट से मैं स्टार्ट करूँ तो फ्रंट के अंदर आपको उसके अंदर हेलोजन लाइट देखने को मिलती है, जो स्प्लेंडर में हमेशा से आती है। बस के अंदर ये वाला चेंज हुआ, ये वाला यहाँ पर आपको LED देखने को मिल जाती है जो बाइक स्टार्ट होने के बाद ऑन हो जाएगी। बल्ब इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, और पर्टिकुलर ये वाला कलर आता है, इसके अंदर एक ब्लू कलर भी आता है, और ये वाला ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन है। और भी कलर आते हैं बट ये वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और रेयर से भी आपको सिमिलर स्प्लेंडर वाला ही लुक देखने को मिल जाता है, वही आपको बल्ब वाली आपकी बैक लाइट है और बल्ब इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। इंजन के बारे में बात करूँ तो आपको अराउंड 100 CC का देखने को मिलता है। 2B 25 अगर बताऊँ तो आपको 97.2 CC का एयर कूल 4-स्ट्रोक इंजन इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि पावर पंप आउट करता है 8 PSK, और आपको टॉर्क देखने को मिल जाएगा 8.02 Nm का। 9.8 लीटर्स के फ्यूल टैंक के साथ ये बाइक आ जाती है। अप्रॉक्स आपको 10 लीटर्स का फ्यूल टैंक इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपका अराउंड 3 लीटर्स to 2.5 लीटर्स जो है आपका रिजर्व में रहने वाला है इसके अंदर। ऑल दो इसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन आया तो आपको पता नहीं चलेगा, बट वहाँ पे लो फ्यूल इंडिकेटर जो आपका ऑन हो जाने वाला है। अलॉयज के साथ ये बाइक आती है। टायर के बारे में बात करूँ, टायर आपको रियर और फ्रंट दोनों में ही 80/100 के देखने को मिल जाएंगे, और आपको 18 inches के इसके अंदर अलॉय देखने को मिल जाएंगे। रियर और फ्रंट दोनों में आपको इसके अंदर ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है, जो कि आता है 130 mm के। आपको इसके अंदर डिस्क ब्रेक का कोई भी ऑप्शन जो है देखने को नहीं मिलता है। गियर बॉक्स के बारे में बात करूँ तो आपको सिमिलर वही पहले की तरह 4 गियर्स का इसके अंदर गियर सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि सारे पीछे लगते हैं। अपना जो नॉर्मल वाला है जो आपको पहले देखने को मिलता था, वही अभी भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है। क्लोज चेन सिस्टम के साथ ये बाइक आती है। फ्रंट में आपको इसके अंदर टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाएंगे, और रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर जो कि एडजस्टेबल नहीं है, जो वैसे है जैसे ये है वैसे ही रहने वाले, आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हो। फ्यूल टैंक मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आपको स्प्लेंडर का लिखा हुआ दिख जाएगा स्प्लेंडर प्लस, और यहाँ पे एक्सटेक की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है। तो एक्सटेक वाला जो फीचर है वो इसके अंदर एक कनेक्टिविटी फीचर आया, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर मैं स्पीडोमीटर के बारे में बात करूं तो ये जो था ये एक मेजर चेंज था इस बाइक के अंदर। इस वाले मॉडल के अंदर आपको फुल्ली डिजिटल के अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, आपको कोई भी एनालॉग देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको स्पीड दिखा देने वाला, और यहाँ पे आपको फीडोमीटर दिख जाएगा इसका। यहाँ पे जो बाकी कनेक्टिविटी फीचर्स है वो यहाँ पे देखने को मिल जाना, जिसका कॉल आ रहा है अगर, और यहाँ पर किसी का मैसेज आया तो वो आपको यहाँ पे सब कुछ शो हो जाने वाला है। यहाँ पे फीडोमीटर है, ये आपको रियल टाइम माइलेज भी दिखा देती है बाइक। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रही क्योंकि अभी ऑन नहीं है। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 1491, ये कुछ अभी बाइक जो है चली हुई है, तो अराउंड आप मान सकते हो कि 1500 प्लस ये गाड़ी चल चुकी है। और यहाँ पे आपको इसका देखने को मिल जाएगा ये चार्जिंग पोर्ट। तो ये खड़ा मेरे सामने इस बाइक के ओनर, मेरे ही फ्रेंड है राघवेंद्र सिंह, उनकी ये बाइक है हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि यही बाइक परचेज करने का कोई मेन रीज़न, और भी इस सेम कैटेगरी में और भी बाइक्स आती है, जैसे अपने पास TVS में आ जाती है, अपने पास स्पोर्ट है, प्लेटिना है, तो इसी बाइक की तरफ जाने का कोई मेन रीज़न? मेजरली इसका लुक अच्छा है, एवरेज भी बढ़िया है, मेनली लुक की वजह से लिए। हाँ, तो स्प्लेंडर के जो लुक है वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और काफ़ी टाइम से सिमिलर लुक चलता आ रहा है। एक आप कह सकते हो लाइफ टाइम लुक है, एवरग्रीन लुक है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये पर्टिकुलर लुक। और भी लुक आते हैं, जैसे HF Deluxe आती है, उनके इतने फेमस होते हैं, स्प्लेंडर के काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। तो यार पहले इसके एक बार प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, इन्हीं से पूछेंगे ऑन रोड इनको कितनी पड़ी है अभी जयपुर में, और अगर EMI में इन्होंने EMI में ली तो EMI कितनी की आ रही है, उन्होंने कितने टाइम तक की करवाई है। तो वैसे ही ऑन रोड अगर अपन कैश मिले तो ये बाइक कितने की आ रही है? ये 91,000 और कुछ की है। ओके, 91,000 के अराउंड, ठीक है। और मैंने इसकी EMI बनवाई 2 साल की, और 35,000 डाउन पेमेंट किया था। ठीक है, तो अभी जो EMI आ रही कितनी की आ रही है? मेरी 2,900 के अराउंड EMI आ रही है, मतलब अराउंड 3,000 की। तो 3,000 की 2 साल तक की EMI, 35,000 की डाउन पेमेंट हुई थी इस बाइक की, और EMI भी मेरे सब सही है। 2 साल में अगर 3,000 रुपये महीने के 3,000 रुपये में इजीली आप इसको चलाओ, बाइक वैसे ही पता है वर्थ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको लॉन्ग टर्म में, कैसे भी यूज़ करोगे अगर इस बाइक को, डेली कम्यूट कर सकते हो, हाईवे पे लेके जा सकते हो। मैंने इस बाइक को हाईवे पे काफ़ी बार देखा है, काफ़ी सारे लोग इस सामान रख रख के हाईवे पे भी निकल जाते हैं। तो यार बिल्कुल आपकी पॉकेट फ्रेंडली बाइक है, आप इसको कैसे भी चला सकते हो। अब हम बात करेंगे इसके पॉजिटिव्स के बारे में और इसके नेगेटिव्स के बारे में, क्या क्या इसके अंदर इनको इसमें नेगेटिव देखने को मिले, क्या क्या पॉजिटिव देखने को मिले। तो पहले अपन बात करते हैं पॉजिटिव्स के बारे में, तो अपन जैसे अगर इसके पॉजिटिव आपको क्या क्या देखने को मिले, क्या क्या इस बाइक में आपको अच्छा लगा, आपने अगर और कोई बाइक भी चलाई है जैसे इनके पास पहले,
जो पुरानी वाली एक प्लेटिना आती है वो भी थी, और हीरो हीरो की माइस्ट्रो भी थी, और इनके पास रॉयल इनफील्ड भी है। तो मतलब हर कैटेगरी की बाइक थी इनके पास पहले से। तो एक स्प्लेंडर में आपको क्या फीचर और अच्छे देखने को मिले? सिटी के अंदर काफ़ी अच्छी हैंडलिंग है इसकी, ज़्यादा मतलब भीड़ भड़ाके के अंदर इजीली चल जाती है, भीड़ भड़ाके में इजी मतलब हैंडल बहुत इजीली हो जाती है, ये इसका एक पॉजिटिव है। और कोई पॉजिटिव जैसे माइलेज भी अच्छा है बाइक का? माइलेज बहुत अच्छा है, आप इसको हाईवे पे कहीं पे भी लेके जाओ, सिटी के अंदर भी अच्छा एवरेज दे देती है। तो अराउंड कितने तक का माइलेज मिल जाता है बाइक से? इसका 60-65 के अराउंड, 60-65 इजीली दे देती है बाइक। तो 60 का माइलेज है, 60-65 का माइलेज और मेरे हिसाब से परफेक्ट है। और बाकी जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं उसके ऊपर काफी चीजें डिपेंड करती है, अगर आप तेज चलाओगे बाइक को हर टाइम एक्सीलेटर देके रखोगे तो माइलेज ड्रॉप होता है बाइक का, अच्छे से चलाओगे इकोनॉमिकल स्पीड में चलाओगे तो माइलेज और अच्छा इंक्रीज होता है। माइलेज जो होता है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। और आगे चल के बात कर लेते हैं इसकी क्या क्या नेगेटिव फील हुए, क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हैं जो बाइक के अंदर आपको लगता था कि अभी भी ठीक हो सकती हैं या ठीक हो जानी चाहिए? मेरे को एक तो इसका व्हील्स का थोड़ा लगा कि सही नहीं है क्वालिटी उनकी। अच्छा। क्योंकि मेरा एक व्हील है जो उसमें ऑलरेडी दिक्कत आ चुकी है थोड़ी सी। ठीक है, तो बस बाकी तो ऐसी कोई दिक्कत उसके ऊपर कंपनी ने क्या करा अगर व्हील में, और व्हील में क्या प्रॉब्लम आई? व्हील के अंदर मेरी क्या हल्का सा एक गड्ढे के अंदर जानते इसका व्हील बैंड हो गया हल्का सा। अच्छा, अलॉय जो था वो बैंड हो गया। अच्छा, तो अलॉय और जो जो पीछे वाला था वो वाला या आगे वाला? तो जो पीछे वाला व्हील था वो हल्का सा गड्ढे में जाते ही बैंड हो गया। इवन मैं भी गया था शोरूम, इनके साथ ही गया था, तो उस टाइम ये चीज़ जो है इंश्योरेंस में नहीं आती। और अभी नई बिल्कुल नई गाड़ी है, इसकी पहली सर्विस या दूसरी सर्विस अभी होनी है, तो ये वाली प्रॉब्लम भी थी इस बाइक के अंदर। बट उसके बाद भी इसके अंदर इतने से में हल्के से गड्ढे में अलॉय में बैंड आ गया, उसके ऊपर कंपनी ने बोला कि ये हमारी कोई भी मतलब हमारे उसके अंदर नहीं आता ये। तो मेरे हिसाब से कंपनी को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, अगर आप इसमें अलॉय दे रहे हो तो अलॉय की क्वालिटी एटलीस्ट अच्छी हो, क्योंकि हम स्प्लेंडर जैसी बाइक ले रहे हैं, ये डेली कम्यूट होनी है, रोज़ चलनी है ये गाड़ियाँ, और सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं को परचेस करते हैं। तो आपकी अगर सेल्स इतनी अच्छी है तो आपको आपकी जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। अच्छा, पावर के बारे में कैसा लगा कि पावर कैसी है, कि आप एक रॉयल इनफील्ड ओनर भी हैं, एक 350cc की बाइक भी आप चलाते हैं? रॉयल एनफील्ड के कंपैरिजन तो इससे नहीं कर सकते, बट पावर फिगर से नॉर्मल अगर काफी अच्छा पिकअप है, काफी अच्छा पिकअप। ठीक है, और जो बाइक में वाइब्रेशन है कि कुछ ज्यादा बाइक वाइब्रेशन ऐसा कुछ मेरे को अभी तक तो फील हुआ नहीं, काफी स्मूथ गाड़ी। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो पसंद आया या कुछ अलग लगता है? हाँ, काफी पसंद आया। पहली बात तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है इसके अंदर, कनेक्टिविटी देखने को, फोन बार बार नहीं निकालना पड़ता जेब से, और रियल टाइम एवरेज भी दिखाती है। तो ये भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बाइक आपको बता देती है। और जो ऐसी कुछ चीज़ जो आपको फील हुई हो, कुछ भी अलग फील हो या बाइक ऐसी लगी हो कि हाँ इसमें ये और अच्छा होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कुछ भी कैसा भी? बाकी मुझे अभी तक ऐसा कुछ लगा नहीं, परफेक्ट गाड़ी है, परफेक्ट गाड़ी। तो डेली कम्यूट के लिए परफेक्ट गाड़ी है। तो आप वैसे पर्सनली इसको किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो? मैं मेरे डेली यूज़ के लिए, ऑफिस जाने के और डेली के जितने भी काम होते हैं, तो इनको ऑफिस जाना होता है और डेली। अराउंड ऑफिस कितनी दूर है अपना? मेरा ऑफिस 6-7 किलोमीटर पड़ता है घर से। हाँ, तो टोटल 12 किलोमीटर रोज का तो ऑफिस का है, 15 किलोमीटर नॉर्मली चलाते हैं। और अगर कहीं वैसे भी लेके जाना हो, इवन अभी एक फ्रेंड के फंक्शन था उसमें भी लेके गए थे इसको, तो हाईवे पे चली थी बढ़िया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है अगर स्टॉकिंग भी नहीं करती है उसको। हाई स्पीड पे भी चलाते हो ना तो ऐसा फील नहीं होता कि हाँ बाइक थोड़ा सा इंजन जो है थोड़ा कम कैपेबल है, इजीली चलाओ इसको। मैंने पर्सनली भी चलाया इस बाइक को, पर्टिकुलर ये वाला ही मॉडल, तो काफ़ी अच्छी है। और सीट्स के बारे में बात करूँ, सीट कंफर्टेबल है क्योंकि अपन इसको नॉर्मल राइड करते हैं, डेली चलानी है गाड़ी तो सीट कंफर्टेबल होनी चाहिए, तो सीट कंफर्टेबल है या नहीं? सीट काफ़ी कंफर्टेबल है और इजीली तीन जने आराम से बैठ पाते हैं, अगर कोई सामान भी रख के लेके जाना हो तो काफ़ी वाइड है, लंबी सीट है तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी काफ़ी सारी चीज़ के अंदर i3s देखने को मिल जाता है कि अगर अगर आपकी गाड़ी ट्रैफिक में खड़ी है तो अपने आप बंद हो जाएगी, फिर क्लच दबाती है अपने आप ऑन हो जाती है गाड़ी, तो इससे जो फ्यूल है वो सेव होता है, आपका फ्यूल और बच जाता है, माइलेज और इंक्रीज हो जाता है बाइक से उस चीज़ में। और बाइक की ब्रेकिंग कैसी लगी, मतलब आगे वाला टायर की ब्रेकिंग, पीछे वाला टायर की ब्रेकिंग, अलग अलग बतानी है? ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, पीछे का ब्रेक लगाते ही दोनों ब्रेक काम करते हैं, दोनों टायरों पे इफेक्ट आता है ब्रेक का, ठीक है, काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग। अच्छा, मतलब इसके अंदर कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है कि अगर आप पीछे वाला ब्रेक लगाओगे तो अगला ब्रेक भी थोड़ा थोड़ा लगेगा। सेंटर है इसकी, आपने जो सर्विस करवाई है उसमें कितना कॉस्ट आता है? मैंने अभी इसकी एक सर्विस कराई है, उसका मेरा 5 सर्विस कंपनी ने फ्री दिए, ठीक है, पर जो फर्स्ट सर्विस हुई थी उसमें मेरा ऑयल चार्ज लगा है, तो मेरी 370 के आसपास फर्स्ट सर्विस हुई। तो फर्स्ट सर्विस जो हुई वो अभी सिर्फ 370 की हुई, तो यही अच्छी बात होती है, जो अगर आप इंडियन ब्रांड लेते हो और हीरो जैसा ब्रांड है तो आपको सर्विस कॉस्ट बहुत कम देखने को मिल जाती है बाइक की, अराउंड 400-370, तो 400-500 रुपये में आपकी सर्विस हो जाने वाली है। 5 सर्विस जो है कंपनी ने फ्री दी हैं, बाकी उसके बाद आप अपनी जो जो सर्विस है वो करा सकते हो। इंजन ऑयल का इतना खर्चा नहीं आता मेरे को पता है इस बाइक के अंदर।
तो ये था अपने वीडियो इस अमेजिंग सी बाइक के बारे में। मैंने आपको इसका ओनरशिप रिव्यू दे दिया, अराउंड 1000 किलोमीटर प्लस से बाइक चल रखी है। ओनर ने खुद ने बताया कि बाइक चलने में काफ़ी अच्छी है, लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं इस बाइक के। माइलेज आपको अराउंड 60-65 का देखने को मिल जाएगा। सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है, डेली कम्यूट के लिए यूज़ कर सकते हो। अलॉय व्हील्स के साथ आती है, आपको इसके अंदर कनेक्टिविटी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको पूरा डिजिटल देखने को मिल जाएगा, चार्जिंग पोर्ट है। तो अगर आप जान चाहो बाइक तो बिल्कुल जा सकते हो। अगर कैश मिलोगे तो आपको 1 लाख के अंदर आ जाएगी, और अगर आप फाइनेंस कराते हो तो आप जितना डाउन पेमेंट करोगे, जितने टाइम का बनवाओगे, उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, आपके सिटी में ऑन रोड प्राइस कितनी है, उस पर काफ़ी डिपेंड करती है काफ़ी सारी चीज़ें। तो वैसे ही EMI पे भी अवेलेबल है। अगर जाना चाहो आपको डेली कम्यूट के लिए कोई बाइक चाहिए, अगर फीचर लोडेड देख रहे हो, आपको कनेक्टिविटी फीचर्स भी चाहिए और अच्छे लुक्स चाहिए, इस बाइक के बिल्कुल जा सकते हो। आपको लॉन्ग टर्म में कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी। और मुझे पता है अगर आप वीडियो अगर देख रहे हो जरूर पसंद आई तो लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना दोस्तों को। लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन उसको नहीं दबाया, उस पर गुस्सा मारे मुकवार पर दब जाना चाहिए। मैं आपसे मिलूंगा किसी बड़ी ऐसी अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए अडियोस अमीगोस, साइनिंग ऑफ, आरे व्लॉग्स।